हल्द्वानी शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली HPCL कंपनी की सुस्त कार्य प्रणाली और स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर नगर निगम आयुक्त ने HPCL द्वारा 5 करोड़ की जमा राशि को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही गैस पाइपलाइन बिछाने और रोड कटिंग की अनुमति समाप्त कर दी है। कंपनी द्वारा शहर की सड़कों को क्षति पहुंचाई है और साइड ड्रेनेज तोड़ने के एवज में 13 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। हल्द्वानी शहर में HPCL ने गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए परमिशन ली थी, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने पर हल्द्वानी नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय ने मामले में निर्देश जारी किया है। आयुक्त ने कहा, पूर्व में HPCL से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। HPCL के उप महाप्रबंधक को सड़कों को क्षतिग्रस्त करने और साइड ड्रेनेज को तोड़ने के एवज में 15 दिन के भीतर लगभग 13 करोड़ जमा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये मामला शहर की आवागमन की सुविधा से जुड़ा हुआ है। पिछले लंबे समय से HPCL कंपनी सड़कों को खोदकर धीमी गति से गैस पाइपलाइन डालकर वैसे ही छोड़ रही थी। लगातार नगर निगम और जिलाधिकारी द्वारा कई बैठकों के बाद भी HPCL कंपनी की निर्माण गति में तेजी नहीं आई। सुरक्षा से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कार्य प्रणाली से जब जनता परेशान होने लगे तो एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। गैस पाइपलाइन के माध्यम से डोर टू डोर गैस पहुँचाना एक अच्छी योजना है, जिसको कि हमने तीव्र गति से लागू करने के लिए हमने अनुमति दी थी HPCL को, उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन उनका लेइंग का कार्य तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन रेस्टोरेशन के जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने मानकों को अनुरूप कार्य नहीं किया। हमने बार बार पत्रों के माध्यम से HPCL के प्रतिनिधियों को रिमाइंड कराया कि जनता परेशान हो रही है, रेस्टोरेशन कार्य विलम्ब से हो रहा है और मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, लेकिन अपेक्षित वहाँ से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हमने उनको एक अंतिम सौकाज दिया। अंतिम सौकाज में भी कोई उनका संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया और उनकी जो बीजी 5 करोड़ थी उसको जब्त करने का हमने निर्णय ले लिया है। इसके अलावा जो रोडें हमारी ख़राब हुई उनके रिस्टोर करने के लिए हमने उनके ऊपर एक कास्ट आरोपित किया है, जिसकी लगभग 17 करोड़ की लागत है, जिसमें 5 करोड़ हम बीजी को समायोजित करते हैं तो लगभग 12 करोड़ हमारी बचती है। 12 करोड़ रुपया हमने जमा करने के लिए उनको आदेश किया हुआ है। उनके प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन मौखिक कही है। हमने उनसे कहा है कि आपको जो कहना है आप लिखित रूप में रखिए, ताकि हम निगम के स्तर पर उस पर सक्षम कमेटी में बात कर सकें। यद्यपि मेरा मानना है कि यह काम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी रोडें हैं, नालियां हैं, जो इस काम के दौरान टूट रही हैं, वो भी त्वरित गति से पुनर्निर्मित हो जाएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही हम आगे निर्माण कार्य करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे।